खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से, जहां पर कहा यह जा रहा है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के भ्रष्टाचार की खबरें। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर बीजेपी विधायक का बड़ा खुलासा सामने आया है। अपनी ही पार्टी के बड़े नेता और निजी कंपनी पर साठ गांठ का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने। घाटों की सफाई के नाम पर निजी कंपनी कर रही है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर नेता ने ही फंसाने की कोशिश की, ऐसा कहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ इस किस्म से एक बड़ा आरोप सामने आ रहा है। बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह ने बीजेपी नेता के ऊपर ही आरोप लगाया है, सुनते हैं उन्हीं की जबानी। हमारे बिठूर में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति विशाल प्रोटेक्शन फोर्स के माध्यम से की गई है, उसमें मुझे भ्रष्टाचार देखने को मिला। जहां 60 कर्मचारियों का पेमेंट उठ रहा है, वहां मात्र 15 से 20 कर्मचारी भी वहां काम नहीं कर रहे हैं, ना उनकी कोई मॉनिटरिंग हो रही है, और प्रत्येक माह उनका वेतन 200 लाख 2500 लाख रुपए उठाया जा रहा है। एक बहुत बड़े अधिकारियों की लॉबी इसमें शामिल है जो इस भ्रष्टाचार को करने में लगी हुई है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है, तथ्य मेरे पास आने वाले हैं, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का नाम आ रहा है, जब होगा जानकारी मिल जाएगी मैं तब बताऊं। तो ये आरोप तो लगाए गए, मगर इन आरोपों में सच्चाई कितनी है उस पर जांच होना बाकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक का ये कहना है कि जब घाटों की सफाई को लेकर के भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई तो उन्होंने ये आवाज उठाई, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ही की तरफ से, कंपनी के एक शख्स की तरफ से ही उन्हें यौन उत्पीड़न में ऐसे मामले में फंसाने तक की कोशिश की गई। नीरज अवस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। नीरज, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर, खासतौर पर घाटों की सफाई को लेकर के निजी कंपनी, साथ ही साथ में बीजेपी के नेता के ऊपर एक बीजेपी के विधायक की आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला और इस पर किस किस्म की प्रतिक्रिया आई है जिनके ऊपर आरोप लगे? देखिए, जबान आपको बता दूं कि कानपुर से विधायक हैं, बिठूर विधानसभा से बीजेपी के अभिजीत सिंह सांगा युवा विधायक हैं और काफी लोकप्रिय विधायक हैं, और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर पे इन्होंने बिना नाम लिए पार्टी के ही एक जनप्रतिनिधि पे आरोप लगाया है कि वो एक तरीके के मामले को तूल दे रहे हैं, क्योंकि नमामि गंगे परियोजना में जो घाटों की सफाई काम है उसमें काफी बड़ा घालमेल चल रहा है, इसके उन्होंने कई सबूत भी दिए हैं और उन्होंने शिकायत भी की है डीएम से, एसडीएम उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री से इस मामले की शिकायत करेंगे, लेकिन बीते दिनों अभी एक महिला जो है जो उस कंपनी। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।